योहन्ना बपतिस्मा देन आलां गी पैदाइश। मासी माँ खुदा नी अपना लोका ना अपना फरिश्ता ओ नबियां गा वसीला नाल गल करी, लेकिन फिर 400 साल गुजर गया कि उसनी उन नाल गल नी करी। अचानक एक फरिश्ता जिक्रिया नामी एक बुड्डो सरदार गै कोले खुदा गो पैगाम लेकर आयो। जिक्रिया और उसकी बीवी इलिशा खुदा तरस लोक था, लेकिन उनकी काई औलाद ना थी। फरिश्ता नी जिक्रिया ना क्यों तेरी बीवी ना एक फरजंद वह गो, और तम उसको ना योहन्ना रखियूं, वो पाक रू मामूर वह गो और लोका ना मऊदा मसीह के वास्ते तैयार करे गो। जिक्रिया ने जवाब दितो, मेरी बीवी और हूँ इतना बुढ़ा हाँ कि बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मिना किसरा पतो चले गो कि इसरा वह गो। फरिश्ता ने जिक्रिया ना जवाब दितो, हूँ खुदा की तरफ तू चलायो हाँ कि थारा तोड़ी या खुशखबरी पचाऊ, क्योंकि तम नी मेरो यकीन नी कियो, तम बच्चा का पैदा होन तोड़ी बोलन गए काबिल नहीं रहसी, फौरन ही उसकी जबान बंद वहगी। फिर फरिश्ता जिक्रिया के कोले तू चले गया। इस तू बाद जिस कड़ी जिक्रिया कार वापस आयो ते उसकी बीवी हमला हो गई। जिस कड़ी इलिशा ना छेमू महीनू थो ते वही फरिश्ता इलिशा का रिश्तेदार जिसको ना यम थो फिर अचानक जाहिर होयो, वो कुवारी थी और उसकी मंगनी यूसुफ नामी शख्स के नाल होई थी। फरिश्ता नी क्यों तू हमला होगी और एक फरजंद जनेगी, तू उसको ना यीशु रखिए, वो खुदाई अजम गो फरजंद वह गो और अब तोड़ी बादशाही करेगो। बीबी मरियम नी यकीन कियो और जड़ो कुछ फरिश्ता नी क्यों उस ना कबूल कियो। बीवी मरियम ने जवाब दितो, यो किसरा हो सके है जने की हूँ कुवारी या फरिश्ता नी वसात करी पाक रू तेरो नाजिल वैगो और खुदा की कुदरत थारा वर साया सटेगी, इस वास्ते बच्चो खुदा गो फरजांद और पाक वह गो। बीवी मरियम ने यकीन कियो और जड़ो कुछ फरिश्ता ने क्यों उस ना कबूल कियो। बीवी मरियम का फरिश्ता नाल गाल करन तू बाद जल्दी ही वो शया नाल मुलाकात करन गए वास्ते गई। जिस कड़ी इलिशा ने बीवी मरियम को सलाम सुनियो, इलिशा को बच्चो उसका पेट मां ना चनन लगो। जड़ो कुछ खुदा ने उनका वास्ते कियो तो उसके वास्ते वो दोई खासा खुश होया। त्रै महीना बीवी मरियम शया के कोले रहन तू बाद वापस अपने घर आई। शया का बच्चा ना जन्म देन तू बाद शया और जिक्रिया ने फरिश्ता का हुक्म के मुताबिक उस बच्चा को ना योहन्ना रखियो। फिर खुदा ने जिक्रिया की जुबान फिर खोल दीती और वो बोलन लगो, जिक्रिया ने क्यों खुदा की तारीफ है क्योंकि उसने अपना लोका ना याद रखियो है, तब मेरो फरजंद खुदाई अजम गै एक नबी की गा जड़ा लोका ना की गा वे किसरा अपना गुनावा तू माफी हासिल कर सकी ही। लूका तू लेके बाइबल की एक कहानी।